हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 9th क्लास रिपोर्ट कार्ड, लाइक हाउ वी कैन क्रिएट मास्टर्स स्कॉलिस्टिक मार्क्स एंट्री, को स्कॉलिस्टिक मार्क्स एंट्री, एडिशनल सब्जेक्ट मार्क्स एंट्री, रिमार्क्स, अटेंडेंस. सो फर्स्टली, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, लेट्स रिव्यू द रिपोर्ट कार्ड फर्स्ट. ओके, दिस इज अवर रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट ऑफ क्लास 9th. दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स. These are the exam names, like unit test, or we can say it periodic test. MA means multiple assessment, notebook one, subject enrichment, half yearlies. These are the internal assessment exams, like unit test, multiple assessment, notebook, subject enrichment, and half yearly is the term one main exam. Okay, and the total obtained overall marks are showing according to these marks total. And overall grade depends on overall obtained overall total marks. So this is our report card. This is the additional subject. Here means subject theory and practical marks are showing here. These are the core scholastic areas. Co-scholastic are of 5-point grade criteria scales, means A, B, C, D, E are the grade criteria. These are the dynamic headers. Okay. These are the remarks, attendance. Now close this format. अब सबसे पहले हमें examination module पर जाना है. Click on exam master. Now go to exam class subject term. Basically exam class subject term master is used for assign maximum marks to the subjects. Now select class 9th. Exam types are of two types. Term 1 and term 2. Term 1 is used for half yearly exams and term 2 used for final exams. So for half yearlies, we select only term 1 exam. Now exam name. Here we have several exam names, but for 9th and 10th class, we use H series masters. Basically, H series is used for highest secondary. So we use here H series masters, like H periodic test 1, H subject enrichment 1, H annual exam, H half yearly. Then select subjects, main subjects and additional subject is used for only half yearly exams. Then assign only maximum theory marks. Okay. So firstly, जैसे हम यहाँ पर क्लास 9 सिलेक्ट करेंगे, टर्म 1 सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम नेम यहाँ पर हम एच पीरियोडिक टेस्ट सिलेक्ट करते हैं, एच पीरियोडिक टेस्ट 1. यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स है, बेसिकली सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मल्टीपल चेक बॉक्स से सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपके मार्क्स सेम है. जैसे हम यहाँ पर मेन सब्जेक्ट्स चूज कर लेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स असाइन करेंगे. जैसे मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स हमारे वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू स्कूल, लाइक 20 भी हो सकते हैं आपके, 30 मार्क्स भी हो सकते हैं, 40 मार्क्स भी हो सकते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग रहेंगे, बट वो ऑटो कन्वर्ट होंगे आपके 5 मार्क्स में. तो हम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स असाइन करेंगे. मैक्सिमम पीआर मार्क्स का मतलब है मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स. जैसे हमें सभी पता है, सभी को पता है कि पीरियोडिक टेस्ट के लिए कोई मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं रहते हैं, तो हम सिर्फ थ्योरी मार्क्स में ही एंट्री करेंगे. इस मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स और सब वेटेज कॉलम को जीरो रहने देंगे. 9th क्लास के लिए हम MTW में भी कुछ भी फिल नहीं करेंगे और MPW में भी कुछ भी फिल नहीं करेंगे. इसमें सिर्फ आप मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स फिल करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे. जैसे आप पीरियोडिक टेस्ट मास्टर असाइन करोगे, वैसे ही आप पीरियोडिक टेस्ट 2 भी असाइन करोगे, पीरियोडिक टेस्ट 3 भी, बट एच सीरीज यूज करेंगे. वैसे ही आप एच हाफ ईयरली चूज करेंगे तो आपके हाफ ईयरली के मास्टर्स आ जाएंगे.
इसमें आप जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट रहता है, जैसे कुछ स्कूल में NSQF IT रहता है, कुछ स्कूल्स में IT रहता है, AI रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं, तो वो अपने स्कूल्स के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। जैसे हमें पता है एडिशनल सब्जेक्ट का आपका थ्योरी मार्क्स का भी रहता है और प्रैक्टिकल भी रहता है, तो आप मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स में थ्योरी का मैक्सिमम डालेंगे, मार्क्स डालेंगे, और मैक्सिमम PR मार्क्स में आप मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स फिल करेंगे। इसी तरह से हम मल्टीपल जो असेसमेंट्स हैं, इंटरनल असेसमेंट्स, उसके लिए भी एंट्रीज करेंगे। जैसे आप एच सब्जेक्ट एनरिचमेंट फिल करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं वो आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। अगर आपके 5 में से रहते हैं तो आप 5 फिल करेंगे, अगर 10 से रहते हैं 10 फिल कर सकते हो। तो ये आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्क्स क्राइटेरिया रहते हैं उसके अकॉर्डिंग डायनेमिक मार्क्स हैं और आप फिल कर सकते हो, बट वेटेज इज 5 ओनली। ओके, जैसे हमें पता है कि जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं, जो लाइक यूनिट टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, नोटबुक, ये आपकी 5 5 मार्क्स की रहेंगी और हाफ ईयरली आपका 80 मार्क्स का रहेगा। इसको मिला के हमारा टोटल 100% बनता है। तो हमने इसी तरह से ये असाइन कर लेने हैं। आपने Term 1 असाइन करना है फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। जब आप ईयरली एग्जाम्स असाइन करेंगे तो उसके लिए आप Term 2 सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मार्क्स एंट्री से पहले ये वाला मास्टर रेडी होना चाहिए। इसके बाद हम इस पे क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा मार्क्स एंट्री प्रोसेस का। जैसे हम स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में जाएंगे, यहाँ पर फर्स्टली हम मेन मार्क्स की एंट्री किस तरह से करते हैं उसके लिए हम स्टूडेंट मार्क्स एंट्री पे जाएंगे। यहाँ पर अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम टाइप सिलेक्ट करेंगे। जो आपने एग्जाम नेम यहाँ पर असाइन किए होंगे आपको वही एग्जाम नेम ड्रॉप डाउन में शो होंगे। लाइक वी सिलेक्ट HE पीरियोडिक टेस्ट 1, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मेन सब्जेक्ट्स। लाइक हम सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश। अब हमारे पास मार्क्स एंट्री के 2 तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करनी है तो आप 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्शन करके सब्जेक्ट्स की आपके पास यहाँ पर रोज आ जाएंगी, तो आप यहाँ पर मार्क्स एंट्री फिल कर सकते हो। ये आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं जो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं, जो भी हमने इससे पहले एग्जाम क्लास सब्जेक्ट टर्म वाला मास्टर डिफाइन किया था। मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके रिपोर्ट कार्ड में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अभी आप यहाँ पर जैसे जो भी आपके मार्क्स एंट्री रहती है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके मार्क्स रिकॉर्ड्स जो है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आपका जैसे आप मैथ सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसके बाद आप साइंस चूज करेंगे, सोशल साइंस जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रीज फिल करेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर आपके मार्क्स जो है वो सेव हो जाएंगे। इसी के बाद जैसे आपने पीरियोडिक टेस्ट की एंट्री की वैसे ही आप हाफ ईयरली की भी करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट के ऑप्टेंड मार्क्स रहते हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपके कन्वर्टेड मार्क्स होंगे वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होंगे। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस और आती हैं इसमें। एबसेंट मेडिकल इज ऑब्टेंड 0, अगर कोई स्टूडेंट के 0 मार्क्स हैं या कोई एबसेंट है या मेडिकल लीव है तो उस केस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट मार्क्स में आपके 0 रहेगा। इज एबसेंट है तो आपने इज एबसेंट को चेक करना है, अगर मेडिकल है तो मेडिकल को चेक करना है, अगर ऑप्टेंट 0 है तो इज ऑप्टेंट 0 को चेक करना है आपने, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है फिर आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। जब तक आप सेव बटन पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। अगर आप एंट्रीज करके सीधा क्लोज कर देते हैं और सेव बटन पर क्लिक नहीं करते हैं आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होता है और मार्क्स आपकी एंट्री जो मार्क्स एंट्री है आपकी वो रिपोर्ट कार्ड पर नहीं आएगी। तो जब भी आप एंट्रीज करते हैं सेव बटन पर क्लिक ज़रूर करिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है मार्क्स एंट्री का, जो सेकंड वे है हमारे पास, वो एक्सेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू है। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा क्लास सेक्शन है, एग्ज़ाम नेम है, सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसके बाद हम हमारे पास एक्सेल के भी 2 वेज रहते हैं।
फर्स्टली सिंगल सब्जेक्ट एक्सेल एंड सेकंड आपका आता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स का। तो फर्स्टली हम सिंगल सब्जेक्ट एक्सेल की बात करते हैं। तो जैसे हम सिंगल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे। जब एक्सपोर्ट एक्सेल का आपका ऑप्शन आएगा तो हम यहाँ पर फाइल नेम सेव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश नेम से सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पर। जैसे आपके पास एक्सपोर्ट होगा डेटा, उसके बाद आपको मैसेज आएगा फाइल सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड। अब आप अपनी फाइल लोकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे आपकी ये वाली फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो हेडर नेम्स हैं ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट होके आ रहे हैं, इनमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी इससे डेटा आ रहा है आपने इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर आप कोई भी चेंज इसमें करते हैं तो आपका जब सॉफ्टवेयर में आप फाइल को इम्पोर्ट करेंगे उससे आपके फाइल में एरर थ्रो होते हैं। तो आपने कोई भी हेडर नेम चेंज नहीं करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी है एक्सेल फाइल में। आप सब्जेक्ट मार्क्स में आप डायरेक्टली एंट्रीज करोगे, आपकी एक्सेल फाइल में प्रॉपर वैलिडेशंस लगी हैं। अगर कोई यूज़र मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स भी डाल देता है या कहीं पर आप ब्लैंक रिकॉर्ड रखते हैं तो जब आप अपलोड करेंगे वो प्रॉपर वैलिडेशन मैसेज आपको अपलोडिंग के टाइम पर शो करेगा सॉफ्टवेयर। तो इसलिए आपने जब भी आप एक्सेल फाइल बनाते हैं सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखकर, कोई फील्ड ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं आपने फिल आउट करने हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स को रिमूव नहीं करना है। ये एज इट इज़ अगर नहीं है तो इसको एज इट इज़ ज़ीरो रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कोई स्टूडेंट एबसेंट है तो आप यहाँ मार्क्स एंट्री में ज़ीरो ही फिल करेंगे। इज़ एबसेंट जहाँ फॉल्स लिखा रहा है यहाँ पे आप फॉल्स की जगह ट्रू लिखेंगे। वैसे ही अगर आपका मेडिकल लीव में है स्टूडेंट तो आप मेडिकल लीव को ट्रू करेंगे। अगर किसी के जीरो मार्क्स है तो आप इज ऑब्टेंड जीरो को ट्रू करेंगे, बट सब्जेक्ट मार्क्स में जीरो ही रहेगा। कंडीशंस यहाँ पर फॉल्स की जगह आपकी ट्रू होंगी। और सिंपली ये फाइल आप जब प्रॉपरली कंप्लीट कर लोगे, इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, मार्क्स प्रॉपरली एंटर्ड होने चाहिए, इसके बाद आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, एग्जामिनेशन ऑप्शन पे जाएंगे, एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ सॉरी इंपोर्ट एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट स्टूडेंट स्कॉलास्टिक एरियाज। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका स्कॉलास्टिक मार्क्स इंपोर्ट सिलेक्टेड है। आप यहाँ पर एक्सेल इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और जो आपकी फाइल होगी उसको ब्राउज करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड अपलोडेड का मैसेज आ जाएगा। आप यही रिकॉर्ड जो है सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में जाके जब अपलोड हो जाएंगे तो आप यहाँ पर एंट्रीज अपनी चेक कर सकते हो। अगर इन केस आपको मॉडिफाई करना है आप सिंपली यहाँ पर इसको चेंज करके सेव बटन पर क्लिक करोगे, आपका रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा। अगर एक्सेल से ही करना चाहते हो तो एक्सेल में भी चेंज करोगे, जिस रिकॉर्ड का आपने चेंज किया होगा वही फाइल वही इंपोर्ट कर दो और वही फाइल आपकी मॉडिफाई हो जाएगी। ये तो था हमारा मेन मार्क्स की एंट्री किस तरह से करनी है। अब लाइक आपका एडिशनल सब्जेक्ट मार्क्स एंट्री है, जैसे हमारा NSQFIT यहाँ पर असाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 50 मार्क्स थ्योरी के हैं, 50 प्रैक्टिकल के हैं, तो आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं इन मार्क्स को। तो ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट के केस में आपके शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो था हमारा मार्क्स एंट्री का प्रोसेस, किस तरह से हमने मार्क्स एंट्री करनी है थ्रू एक्सेल और थ्रू डायरेक्टली इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आप यहाँ से ये सब एंट्रीज जब कंप्लीटली आपकी फिल होंगी उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो आपका रहता है को स्कॉलिस्टिक एरियाज। अब सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं। एग्जामिनेशन मॉड्यूल में जाएंगे हम, यहाँ पर हम एग्जाम मास्टर में जाएंगे, सॉरी स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में जाएंगे, यहाँ पर हम को स्कॉलरशिप ग्रेड एंट्री में जाएंगे। फॉर 9th क्लास हम प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइप ओल्ड रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप हमारा को स्कॉलरशिप रहेगा क्लास 9। सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, स्टूडेंट वाइज भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम नेम लेंगे अपना, एच हाफ ईयरली या एच एनुअल, अभी हम एच हाफ ईयरली के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपके जो भी आपने डिफाइन किए होंगे टाइटल्स उसके अकॉर्डिंग आपका 5 पॉइंट क्राइटेरिया शो होगा। जैसे हम फर्स्टली सिलेक्ट करते हैं को स्कॉलिस्टिक एरिया, सर्च बटन पर क्लिक करते हैं,
यहाँ पर आपका ग्रेडिंग वाला पार्ट शो हो जाएगा। जो भी आपने सब सब्जेक्ट्स डिफाइन किए होंगे, ये आपके डायनेमिक है, फिक्स नहीं है। जो भी आप मास्टर्स में डिफाइन करोगे वही आपके शो होंगे यहाँ पर। लाइक यहाँ पर अभी सिलेक्टेड है हेल्थ एंड फिजिकल डिसिप्लिन एंड जीके, तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे आप ग्रेड्स में भी फिल कर सकते हो और मार्क्स एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पर वो डिस्प्ले होगा ग्रेड सेक्शन में। मीन्स आप एंट्री मार्क्स में करोगे लेकिन वो ऑटो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेडिंग स्केल में। तो लाइक जैसे हमने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है ये ग्रेड्स में डिफाइन किया है, तो आपका ये सिंपली ग्रेड्स में आ रहा है। और हमें जैसे पता है कि 9th-10th के लिए 5 पॉइंट क्राइटेरिया स्केल है, तो ए बी सी डी ई एंड ए बी इज यूज फॉर एबसेंट, तो ये आप ग्रेड्स यूज कर सकते हो। अब जीके का हमने मैक्सिमम मार्क्स असाइन किए हैं, तो यहाँ पे आपका ग्रेड वाला फील्ड डिसेबल है और मार्क्स वाला फील्ड जो है वो इनेबल है। तो अब यहाँ पे 50 में से हमने जैसे मैक्सिमम मार्क्स रखे हैं, तो हम यहाँ पे मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। और जब हम ये एंट्रीज फिल कर देंगे, उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। ये तो था हमारा डायरेक्ट किस तरह से हमने सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी है। इसी तरह से आप यहाँ पर विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स भी जब सर्च करोगे, इसी के अकॉर्डिंग आप ग्रेड्स डिफाइन कर सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो रहता है एक्सपोर्ट एक्सेल। एक्सपोर्ट एक्सेल पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्टेड फाइल आ जाएगी कोर्स स्कॉलरशिप ग्रेड्स की। आपकी फाइल एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप फाइल लोकेशन पे जाइए, यहाँ पे आपका कोर्स स्कॉलरशिप ग्रेड्स वाली फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपने सेम चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हेडर्स में कोई चेंज नहीं करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम की गेट हो रही है, सब्जेक्ट्स की, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आप यहाँ पे ग्रेड फील्ड भी है, सब्जेक्ट फील्ड भी है, जो आपका ग्रेड वाला ऑप्शन है उसमें आप ग्रेड्स फिल करेंगे, जो सब मार्क्स में असाइन किया है उसमें आप अपने मार्क्स असाइन करोगे। इस फाइल में भी आपका कोई फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए और प्रॉपरली आपका डेटा जो है वो फिल्ड होना चाहिए। जब आपकी ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी फाइल, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर में जाना है। आप वापस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑप्शन पे जाएंगे, इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आता है इंपोर्ट कोर्स स्कॉलरशिप ग्रेड एंट्री, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक्सेल इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपनी फाइल ब्राउज करेंगे, यहाँ से आप अपनी फाइल ब्राउज करेंगे और ओपन फाइल ब्राउज ओपन करके आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर आपका जो कोर्स स्कॉलरशिप एरियाज हैं स्टूडेंट्स के, वो आपके अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपका जब आपको एंट्रीज चेक करनी होगी, आप वापस कि आपकी फाइल की एंट्रीज जो है वो इंपोर्ट हो गई हैं, तो आप यहाँ स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में ऑप्शन में जाके कोर्स स्कॉलरशिप एंट्री में जाके चेक कर सकते हैं। लाइक हमें ओल्ड रिपोर्ट सेलेक्ट करना है 9th-10th क्लास के लिए, यहाँ पे हम कोर्स स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्लास अपनी 9 सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स का चेक कर सकते हैं, हाफ ईयरली सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम सेक्शन सर्च पे क्लिक करेंगे, तो जो हमने ग्रेड्स अपलोड किए होंगे और मार्क्स अपलोड किए होंगे वो आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप यहाँ से भी मॉडिफिकेशन करके जब आप यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करोगे, आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था कोर्स स्कॉलरशिप मार्क्स एंट्री किस तरह से करनी है, एक्सेल के थ्रू एक्सपोर्ट कैसे करना है, इम्पोर्ट किस तरह से करना है सॉफ्टवेयर में। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है रिमार्क्स एंट्री का, उसके बाद अटेंडेंस एंट्री का। तो सबसे पहले हमारा रिमार्क्स एंट्री किस तरह से करनी है, हम एग्जाम स्टूडेंट रिमार्क्स एंट्री ऑप्शन पे जाएंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 9th क्लास सिलेक्ट की, सेक्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पर एग्जाम नेम सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमारे पास जो भी हम मार्क्स यहाँ पर फिल आउट करेंगे, वो आपके मार्क्स यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ए सेक्शन में मार्क्स डले हुए हैं, लाइक हम सिलेक्ट करते हैं बी सेक्शन, यहाँ पे एच हाफ ईयरली, अभी यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं डला है, तो हम यहाँ पर सिंपली एंट्री करके सेव कर सकते हैं। एक तो आपके पास डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में एंट्री का ऑप्शन है, इसमें आपको एक
बेनिफिट ये भी है, जैसे आप फर्स्ट रिमार्क्स कुछ टाइप करते हैं तो सेकंड रिमार्क्स के लिए आपकी वो ऑटो लिस्ट क्रिएट हो जाती है। सेकंड रिमार्क्स के लिए वो आपकी ऑटो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर गुड टाइप करते हो तो जब आप यहाँ पर जी टाइप करोगे तो आपको एक हिंट मिल जाएगा, एक हेल्प टेक्स्ट प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वहीं से सिलेक्शन कर सकते हैं और सेव पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन इसमें रहता है वो रहता है कि आप एक्सपोर्ट एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे आपकी ये फाइल सिंपली एक्सेल फाइल में जनरेट हो जाएगी। मीन्स आपके पास हर ऑप्शन में टू वेज हैं, या तो आप एक्सेल के थ्रू करो या डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू करो। आपको जिस भी मेथड से वो टेबल लगता है एंट्री करना आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपके रिमार्क्स हैं वो आपको प्रॉपरली फिल आउट करना है स्टूडेंट्स के, इसके भी कोई हेडर नेम्स नहीं करना है, कोई भी हेडर नेम चेंज नहीं करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर रिमार्क पे एंट्री करनी है और इस फाइल को कम्प्लीटली फिल करके आपने वापस सॉफ्टवेयर में जाना है। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, इम्पोर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इम्पोर्ट स्टूडेंट रिमार्क्स ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे आप एक्सेल इम्पोर्ट करेंगे। तो जब आपके रिकॉर्ड इम्पोर्ट हो जाएंगे फिर आपके रिमार्क्स जो है वो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप यहाँ पर भी अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप मॉडिफिकेशन यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है अटेंडेंस एंट्री का। अब हम क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम अटेंडेंस एंट्री पर क्लिक करेंगे, एग्जाम स्टूडेंट अटेंडेंस एंट्री। यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम नेम सेलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पर तो ऑलरेडी है, लाइक हम सिलेक्ट करते हैं बी सेक्शन। सेक्शन एग्जाम में हम सिलेक्ट करेंगे एच आर पी एल नंबर ऑफ, यहाँ पर आपके पास एडमिशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम आ रहा है, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब नंबर ऑफ वर्किंग डेज सबके सेम होते हैं तो हम यहाँ पर हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक 150 हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज है। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो मैं कुछ मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अपडेट ऑल स्टूडेंट्स, आई यस। तो ये आपके सब रोज के लिए अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद आप नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज जैसे वेरी करेंगे स्टूडेंट वाइज, तो आपको वो हर स्टूडेंट के लिए फिल करने पड़ेंगे। जब आप ये फिल कर दोगे उसके बाद आपने सेव बटन पर क्लिक करना है। जब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं करनी है और आपको एक्सेल के थ्रू एंट्रीज करनी है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे, आपकी जो फाइल है वो इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसमें भी आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके एडमिशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जो हेडर नेम्स आ रहे हैं ये आपको चेंज नहीं करने हैं। अगर हेडर नेम मिसमैच होता है किसी भी एक्सेल फाइल का, एक्सपोर्टेड फाइल का, तो वो सॉफ्टवेयर से मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने कोई इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज नहीं करनी है। आप जस्ट अपना फिल कीजिए जो आपकी एंट्रीज है। अब लाइक नंबर ऑफ WD मीन्स नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये आपके सबके सेम है तो आप यहाँ पे 150 कर रहे हैं। अब है नंबर ऑफ PD मीन्स नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज। अब नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज जो भी स्टूडेंट के वेरी करेंगे वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में जाओगे आप और इस फाइल को इंपोर्ट एक्सेल में जाके इंपोर्ट स्टूडेंट मैनुअल अटेंडेंस पे जाकर एक्सेल इंपोर्ट करोगे, अपनी फाइल चूज करोगे और यहाँ पर ब्राउज कर लोगे, तो आपके अटेंडेंस जो है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके बाद इनके पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड जनरेशन का। अब यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट कार्ड जो जनरेशन है वो एग्जाम नेम वाइज भी रहता है और ओवरऑल एग्जाम रिपोर्ट भी रहता है और मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट भी रहता है। इसके बाद जब हम एग्जाम नेम वाइज रिपोर्ट कार्ड जनरेट करते हैं, जैसे एग्जाम नेम हम हर एग्जाम का अलग यूनिट टेस्ट का अलग रिपोर्ट कार्ड निकालना चाहते हैं, मल्टीपल असेसमेंट का अलग निकालना चाहते हैं, तो वो हम अलग अलग एग्जाम नेम वाइज रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। लाइक कुछ स्कूल्स की क्वेरी होती है कि हम इंटरनल असेसमेंट का रिपोर्ट कार्ड नहीं देना चाहते स्टूडेंट्स को,
तो वो सिर्फ हाफ ईयरली का भी जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एग्जामिनिंग वाइज रिपोर्ट कार्ड पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास वेरियस सर्च क्राइटेरियाज हैं, आप रोल नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं, एडमिशन नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऑल क्लास का लेना है तो आप यहाँ पे क्लास वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं क्लास सिलेक्ट कर रही हूँ, सेक्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर एग्जाम नेम लाइक मुझे हाफ ईयरली का ही जनरेट करना है, तो मैं सिर्फ हाफ ईयरली सिलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ 10 रोल नंबर, 10 स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड्स बन रखे हैं, मीन्स स्टूडेंट्स के मार्क्स डले हैं, तो वो यहाँ पर डैशबोर्ड में आपके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपको सिर्फ 1 to 5 ही रिपोर्ट कार्ड्स प्रिंट करने हैं, तो आप यहाँ पर 1 to 5 सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे आपके ये आ जाएंगे रिपोर्ट कार्ड्स। अब आप चाहते हो कि जैसे आप प्रिंट ऑल करके 5 रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हो कंबाइंड PDF में, तो आप प्रिंट ऑल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट एग्जामिन बेस्ड रिपोर्ट कार्ड। इसके लिए आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपके रोल नंबर्स हमेशा सीक्वेंस में डले होने चाहिए। अगर आपके रोल नंबर्स डुप्लीकेट हैं या मिसमैच हो रहे हैं, कम्प्लीटली फेड नहीं है, तो उससे भी रिपोर्ट कार्ड जनरेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको फर्स्टली तो रोल नंबर्स प्रॉपरली डले होने चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में किसी का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए रोल नंबर, और प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आपको सिंगल रिपोर्ट कार्ड निकालना है तब तो आप प्रिंट ऑल पे नहीं क्लिक करेंगे, आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंट एग्जाम वाइज रिपोर्ट कार्ड। आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास हाफ ईयरली का रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा, सिर्फ हाफ ईयरली का। अभी हम एग्जामिनिंग वाइज की बात कर रहे हैं, इसमें सिंपली आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे और ऑब्टेंड मार्क्स होंगे वो आपके गेट होके आ जाएंगे, और आपका जो टोटल होगा, परसेंटेज होगा, वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, रिमार्क्स, अटेंडेंस एंड सिग्नेचर पार्ट। ये आपका था एग्जामिनिंग वाइज, ये उन स्कूल्स के लिए है जो चाहते हैं कि हमें इंटरनल असेसमेंट शोकेस नहीं करवानी है, हमें सिर्फ हाफ ईयरली के ही मार्क्स देने हैं स्टूडेंट्स को, तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको जो ये रिपोर्ट कार्ड्स हैं ये ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने हैं, ताकि स्टूडेंट आपका अपनी आईडी से लॉग इन करके, यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके ऑनलाइन पोर्टल घर पे बैठ के ही अपना रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सके, तो वो भी आपका ऑप्शन ERP सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इसके लिए आप सबसे पहले मार्क्स एंट्री प्रॉपरली आपकी फील्ड होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में। जब आपके कम्प्लीटली रिपोर्ट कार्ड जनरेट होते हैं उसके बाद आप अपलोड टू सर्वर वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम टर्म जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर एग्जाम वाइज रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे और अपलोड ऑल टू सर्वर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रिपोर्ट्स जो हैं वो सर्वर के लिए अपलोड हो जाएंगे और स्टूडेंट के लॉगिन आईडीज पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जब हम रिपोर्ट कार्ड का प्रिंट लेते हैं, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एग्जाम वाइज रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है आपको वो PDF में सेव करना है, तो आपके पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा है, आप उसको सेव एज टाइप जो है वो PDF सेव कर सकते हैं और फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप प्रिंट यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑल स्टूडेंट्स का देना है तो जैसे आप प्रिंट ऑल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एग्जाम वाइज रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने 5 स्टूडेंट्स ऐड ऑन किए हैं तो ये आपके 5 स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं PDF को, और यहाँ से आपके पास सेव एज PDF फाइल में भी आपके ये सेव हो जाएंगे, बट आपके कम्प्लीटली मार्क्स एंट्री होगी, उसके बाद आप रिपोर्ट कार्ड जनरेशन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। के बाद हम कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे, इसको रिपोर्ट कार्ड को क्लोज करते हैं। ये तो था आपका एग्जाम नेम वाइज रिपोर्ट कार्ड। अब हम बात करते हैं ओवरऑल एग्जाम रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आपका कम्प्लीटली हाफ ईयरली का रिजल्ट आता है। उसके लिए आप रिपोर्ट सेक्शन पे जाएंगे, ओवरऑल एग्जाम रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे भी आपके पास उसी तरह से सर्च क्राइटेरियाज हैं, रोल नंबर वाइज, एडमिशन नंबर वाइज, क्लास सेक्शन वाइज। जैसे हम यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास डेटा शो होना लग पड़ता है। इस तरह से आपके पास डेटा आ जाएगा डैशबोर्ड पर जैसे ही आपकी मार्क्स एंट्री फिल हो जाती है कम्प्लीटली। अब जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं,
हमने अभी वन स्टूडेंट का ही देखना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपके पास आएगा 9 to 10 रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर टर्म 1, 9 एंड 10 आ रहा है, इससे क्या होगा आपका हाफ ईयरली का रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा जनरेट होने में थोड़ा सा आपको लोडिंग में टाइम लेगा। इसपे क्या रहेगा आपका जो यूनिट टेस्ट है, मल्टीपल असेसमेंट्स है, हाफ ईयरलीज है, को स्कॉलिस्टिक एरियाज जो अभी तक हमने अभी डिफाइन किए, तो वो सारे आपके इसी में ही शो होते हैं हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड में। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप कंबाइंड हाफ ईयरली का रिपोर्ट कार्ड इसी ऑप्शन से यूज करेंगे। जैसे आपके ये हेडर नेम्स आ रहे हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर से ही आ रहे हैं। उसके बाद आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर से आ रहा है। जो स्टूडेंट की फोटोग्राफ आप सॉफ्टवेयर में अपलोड करोगे वही रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर फोटोग्राफ में। फिर आपका जो यूनिट टेस्ट है, मल्टीपल असेसमेंट, नोटबुक, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, ये आपके वेटेज में पहले मार्क्स आ रहे हैं। जो टीचर्स ने एंट्री तो मैक्सिमम मार्क्स से की है, बट सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट कर रहा है वेटेज में। अगर 5 वेटेज है तो आपके 5 वेटेज में से कन्वर्ट होके आ रहे हैं मार्क्स। तो इसी तरह से मल्टीपल असेसमेंट, नोटबुक, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, हाफ ईयरली, देन टोटल ऑब्टेंड ओवरऑल एंड ओवरऑल ग्रेड भी आपका कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद आपकी परसेंटेजेस भी शो हो रही हैं एग्जाम नेम वाइज। आप ओवरऑल परसेंटेज भी देख सकते हो, ओवरऑल ग्रेड भी देख सकते हो। इसके बाद आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट था जो आपने 50-50 में से असाइन किया था, ये आपके थ्योरी ऑब्टेंड मार्क्स आ रहे हैं, ये आपके प्रैक्टिकल ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका टोटल ऑब्टेन मार्क्स मीन्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वो आपका कंबाइन होके आ रहा है। इसके बाद आपका को स्कॉलर सेक्शन आ रहा है जो हमारा ग्रेड में कन्वर्ट होके आएगा। लाइक अभी आपने जीके के मार्क्स फिलअप नहीं किए हैं तो यहाँ पर उसको वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पर विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स, रिमार्क्स, अटेंडेंस, सिग्नेचर पार्ट्स आपके फिक्स हैं, ये आपके स्कूल वाइज वेरी नहीं करेंगे, ये आपके स्टैंडर्डाइज सिग्नेचर्स हैं। ये आपका ग्रेड क्राइटेरिया स्केल है जो आपका 8-पॉइंट ग्रेड क्राइटेरिया स्केल है मार्क्स का, वो आपका यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपने डायरेक्टली अगर सॉफ्टवेयर से प्रिंट करना है रिपोर्ट कार्ड, तो आप यहाँ पर ऑप्शन पर जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पर टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो आपको PDF फॉर्मेट में सेव करना है इसको, तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सेव एज टाइप सेलेक्ट करोगे PDF, यहाँ से PDF फॉर्मेट और यहाँ पर फाइल नेम देख के सेव बटन पर क्लिक कर सकते हो, तो आपका PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। इसके बाद हम रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट को क्लोज करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है, हम प्रिंट ऑल पर क्लिक करेंगे तो हम ऑल स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं और PDF में जनरेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसे ऑनलाइन स्टूडेंट के लॉगिन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकें, हम उनकी सॉफ्ट कॉपीज को अपलोड कर सकते हैं। जो आपके सॉफ्टवेयर में, इसके लिए आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली मार्क्स इन होने चाहिए, रोल नंबर्स डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, कंप्लीटली किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो अनफिल्ड नहीं रहने चाहिए। अब यहाँ पर आप एग्जाम टर्म पर सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर आपका जैसे अभी हाफ ईयरली का रिपोर्ट कार्ड है तो आप टर्म 1, 9, 10 सिलेक्ट करोगे और अपलोड ऑल टू सर्वर करोगे। इसके बाद आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड आपका स्टूडेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन नंबर वाइज। तो हर स्टूडेंट को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड एग्जामिनेशन मेन्यू पर जाकर स्टूडेंट्स अपना रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, एग्जामिनेशन मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास जैसे अब आप चाहते हो कि आपको मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट चेक करनी है स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स एंटर नहीं है, तो उसके लिए आपके पास रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, आप एग्जाम मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर आप अपना क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑल एग्जाम का भी ऑप्शन है आपके पास, आप एग्जामिंग वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एच पीरियोडिक टेस्ट 1 में देखना चाहते हैं कि हमारे कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिसिंग है, लाइक हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया, सर्च बटन पर क्लिक किया, लाइक यहाँ पर 50 सर्च होके आ रहे हैं स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट के मार्क्स एंट्री नहीं हुई है। जैसे हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो इसका एग्जामिनेशन में जाएंगे, स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में, एग्जाम स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में, यहाँ पर 9th क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम नेम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पर जो 50 रोल नंबर है उसकी देखो यहाँ पर एंट्री नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे एंट्री करके सेव कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये भी है, यहाँ से एक्सपोर्ट एक्सेल करके फिर से एंट्री कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए कि आप यहीं से ही डायरेक्टली एक्सपोर्ट करें और इम्पोर्ट करते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे अब आपके पास मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट में ये डेटा शो हुआ, आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे, यहाँ पे आप मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट सेव कर सकते हैं फाइल का नेम। जैसा आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, आप वापस लोकेशन पे जाएंगे अपनी फाइल के, यहाँ पे आपके पास जो फाइल होगी इस तरह से एक्सपोर्ट होके आ जाएगी। आप यहाँ पर सिंपली मार्क्स फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका शीट नेम आ रहा है, इसका जो बाई डिफॉल्ट नेम रहता है आपका शीट 1 एक्सेल का, वो आप सेव कर देंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। जब आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, आपने सेम वे में एग्जामिनेशन में इम्पोर्ट एक्सेल में इम्पोर्ट स्टूडेंट मार्क्स में जाना है, यहाँ पे स्कॉलिस्टिक मार्क्स इंपोर्ट एक्सेल इंपोर्ट, और यहाँ पे मिसिंग मार्क्स वाली जो आपकी फाइल होगी आप रिकॉर्ड एनालिसिस ऑप्शन, यहाँ पे हम ग्रीन शीट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली एनालिसिस यूज होता है आपका, आपके जो मार्क्स हैं, जो आपकी मार्क्स एंट्रीज हुई हैं, उनको आप एक्सेल शीट्स पे जब एनालाइज करते हैं, मार्क्स को एनालाइज करते हैं, उसके लिए आप ग्रीन शीट्स का यूज करते हैं। जो नई क्लास आप चूज करेंगे, यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एग्जाम नेम वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एग्जाम नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक हम सिलेक्ट करते हैं H Periodic Test 1। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है जनरेट लॉन्ग शीट एग्जाम नेम वाइज। जैसे हम एग्जाम नेम वाइज जब जनरेट करेंगे लॉन्ग शीट, तो हमें एग्जाम नेम सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी जनरेट करेंगे लॉन्ग शीट, ये आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप 9th क्लास में जाओगे, यहाँ पर आपकी हर यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम टोटल एंड देन परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, वापस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, अब इसे हम क्लोज करेंगे। अब हमें ओवरऑल जब ग्रीन शीट निकालनी है, तो हम यहाँ पे एनालिसिस में जाएंगे, ग्रीन शीट में जाएंगे, क्लास ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे हम क्लास 9 सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम जब ओवरऑल ग्रीन शीट निकालेंगे, मीन्स हाफ ईयरली की कंसॉलिडेट ग्रीन शीट, तो हम एग्जाम नेम सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है जनरेट रिपोर्ट 9th एंड HY हाफ ईयरली। अब हमारे पास दो टाइप्स की ग्रीन शीट्स है यहाँ पर, वेटेज वाइज एंड विदाउट वेटेज। वेटेज वाइज में हम विदाउट वेटेज पर टिक नहीं करेंगे, इसमें आपके वो वाले मार्क्स आएंगे जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स में वेटेज लग के आ रहे हैं, और जो विदाउट वेटेज वाले हैं वो वाले मार्क्स आएंगे आपके जो आपके टीचर्स ने एक्चुअल मार्क्स एंट्री की है। तो अभी हम विदाउट वेटेज पर क्लिक नहीं करेंगे और सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर फाइल नेम देंगे, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री शो हो जाएगी, जैसे पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, हाफ ईयरली, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड्स। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप लास्ट में जाके देख सकते हैं, आपके पास टोटल मार्क्स भी आएंगे, जो भी आपका टोटल ऑब्टेंड ओवरऑल होगा उसके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज एंड ग्रेड शो हो जाएंगे लास्ट में। ये तो थी आपकी वेटेज वाइज ग्रीन शीट मार्क्स, मीन्स वेटेज लग के आपके मार्क्स आ रहे हैं। एक्चुअली जो रिपोर्ट कार्ड पे मार्क्स हैं, वही आपके एक्सेल शीट में ड्रॉप हो के आ रहे हैं, पूरी क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, क्लास सेक्शन वाइज। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको विदाउट वेटेज लेनी है, मीन्स जो टीचर्स ने एंट्रीज नहीं है आपको वो टेली करनी है, तो आप क्लास सेक्शन रिपोर्ट फॉर्मेट चूज करेंगे और विदाउट वेटेज पर चेक करेंगे और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। वापस अपनी फाइल ब्राउज ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो मार्क्स आ रहे हैं वो बेसिकली आपके मार्क्स जो टीचर्स ने एंट्री की है वो वाले मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ से टीचर मार्क्स एंट्रीज जो है वो टैली कर सकते हैं। इसमें आपके लास्ट में परसेंटेज नहीं आएगी, सिंपली आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, जो टीचर्स ने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रखी है, वो वाले मार्क्स आएंगे आपके।
ये तो होगा हमारा ग्रीन शीट ऑप्शन जो हमने बताया विदाउट वेटेज, वेटेज वाइज और एग्जामिनेशन वाइज। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप रहता है वो हमारा रहता है मार्क्स डिलीशन का। इन केस आप चाहते हो कि आपके मार्क्स गलत स्टूडेंट में अपलोड हो गए हैं या उस स्टूडेंट के पास वो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते मार्क्स की, आप डिलीट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम मार्क्स डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है एग्ज़ाम स्टूडेंट मार्क्स डिलीट। यहाँ पे आप एडमिशन नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं, क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, एग्ज़ाम नेम सिलेक्ट करेंगे, लाइक हमें सिलेक्ट करना है पीरियोडिक टेस्ट। यहाँ पे हम इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हमें ऑल सब्जेक्ट का करना है तो हम यहाँ पर जो चेक बॉक्स आ रहा है ऊपर टॉप पे, इसको ऑल सिलेक्ट करके डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये सारे मार्क्स आपके डिलीट हो जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट का करते हैं तो बेटर है एडमिशन नंबर वाइज सर्च करें। अगर आपको एडमिशन नंबर नहीं याद है तो आप यहाँ पे अनचेक करो। देखिए अभी आपने ऑल सिलेक्ट किया था, इसको पहले अनचेक करो। फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्थ रोल नंबर अंकित चौहान के मार्क्स डिलीट करने हैं इंग्लिश के, तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। इससे आपका रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा और आपको फिर से इसकी करेक्ट मार्क्स एंट्री करनी पड़ेगी। इसके बाद आपने क्लोज बटन पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो आपको को स्कॉलिस्टिक मार्क्स डिलीट करने हैं तो उसके लिए आप एग्जाम मार्क्स डिलीट में जाएंगे और सेकेंड ऑप्शन एग्जाम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मार्क्स डिलीट में जाएंगे। इसके लिए आपको पता है प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइप 9-10 के लिए ओल्ड रिपोर्ट ही सिलेक्ट करना है आपने। स्कॉलरशिप टाइप आपका को स्कॉलरशिप रहेगा। क्लास सिलेक्ट करनी है आपने, सेक्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एग्जाम नेम सिलेक्ट करना है। बेटर है यहाँ पर आप स्टूडेंट वाइज सिलेक्ट करो। फिर आप एग्जाम नेम सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, यहाँ पे आप अपना जिस भी टाइटल का डिलीट करना चाहते हैं, लाइक आपने कोर्स स्कॉलरशिप का किया, यहाँ पर सर्च ऑप्शन पे ये आपके 3 क्राइटेरियाज आ गए। अब आप चाहते हो कि आपको डिसिप्लिन डिलीट करना है यहाँ पे, तो आप सिंपली इसको अनचेक कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्शन करो और डिलीट बटन पर क्लिक करो। अगर आप यहाँ से ऑल सिलेक्ट रहने दे रहे हो, यहाँ पर ऑल चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, तो आपके तीनों ग्रेड्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो हमने आज डिस्कस किया कि 9th क्लास के मास्टर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, मार्क्स एंट्री कैसे करनी है, को स्कॉलरशिप मार्क्स एंट्री कैसे करनी है, रिमार्क्स, अटेंडेंस, रिपोर्ट कार्ड किस तरह से जनरेट करने हैं, मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है। उसके बाद आपने डिस्कस किया कि फाइल्स को इम्पोर्ट हम कैसे करेंगे, उसके बाद एनालिसिस कैसे करेंगे, ग्रीन शीट जनरेट कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा ऑप्शन था कि हमें मार्क्स डिलीट करने हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, अगर आप कुछ भी क्वेरीज हो 9th क्लास या 10th क्लास के रिपोर्ट कार्ड के रिगार्डिंग, तो आप minervainfo.com से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।